दोस्तों, चलिए आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कुछ फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे। अलजेब्रा में बीजगणित बेसिक फॉर्मूला को शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इन्हें प्रूफ करते हैं और तब इस पे कुछ फॉर्मूला कुछ सवाल पढ़ेंगे इस फॉर्मूले पे। आइए, इसको बोलते हैं एलएचएस साइड और इसको बोलते हैं आरएचएस साइड। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एलएचएस साइड है, इसको लिख लिए। अब इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दो बार। जैसे कि पांच के स्क्वायर रहता है, इसको हम लिखते हैं पांच गुणे पांच, उसी तरह लिख ले पूरे को ए मान लिए। अभी a का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस बी। अब देखिए यहां से a कॉमन ले लेंगे और ये अगले टर्म जो है इसे a प्लस b से गुना कर देंगे। साइन सहित यहाँ प्लस b लेना है और अगले a प्लस b से गुना कर देना है। ये हो जाएगा a और a गुना। जब समान बेस हो और गुना का चिन्ह हो तो गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाता है। तो a गुने a स्क्वायर प्लस 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 ए भी हो जाएगा, प्लस प्लस ए भी हो जाएगा, प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। अब इसी तरह देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एल एच एस साइड में ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यहां से हम a ले लेंगे, अगला a माइनस बी से गुना कर देंगे, पुनः माइनस बी ले लेंगे, अगला a माइनस बी से गुना कर देंगे। अब इसको और a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी गुने बी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आर एच एस प्रूव्ड हो गया, आप समझे होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए तीसरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत यूज होता है इसका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यदि पूछा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, इसी के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, यानी एल एच एस तोड़ के या तो आर एच एस पुराइए, आर एच एस तोड़ के एल एच एस पुराइए, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। देखिए यहाँ आर एच एस बराबर क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से ए ले लिए अगला ए माइनस बी से गुना कर दिए, गुना प्लस बी ले लिए अगला ए माइनस बी से गुना कर दिए, ए को ए से गुना के ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी या प्लस 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 ए बी या प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ये जमा ये कर्जा कट गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूव एल एच एस। अब इसी तरह आर एच एस बराबर ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, हमको इसको तोड़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, ये बोले जमा ये खर्च कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल एच एस प्रूफ हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने आर एच एस साइड को तोड़ के एल एच एस पुराए
और कभी ऐसा होता है LHS साइड को तोड़ के RHS बुलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको याद रखिए, बहुत ही काम की आइडेंटिटी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, याद रखिए, 2 into a² + b² इसको याद रखिएगा। कोई बच्चा पूछेगा कैसे हुआ, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा, इसको हम जानते हैं कि a² + 2ab + b² होता है, उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² बोले जमा ये कर्जा कट गया, ए रुपया जमा और ए रुपया जमा तो 2a, उसी तरह a² जमा और a² तो 2a², उसी तरह ये हो जाएगा 2b², यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, a² + b² हुआ। इस रिजल्ट को याद रखिए, अगर बहुत काम की फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 into a² + b², उसी तरह आपसे पूछा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि आपसे ये पूछा जाए तो डायरेक्ट याद रखना 4ab होता है, डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना 4ab होता है। कैसे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा ना, ये a² + 2ab + b² होता है, माइनस बड़ी कोष्ट ले लीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² कोष्ट बंद कर दीजिए, ये a² + 2ab + b² प्लस माइनस माइनस a² माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस b² बोले a² जमा a² कर जा, b² जमा और b² कर जा, बराबर हो गया 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab। बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो क्यों नहीं, हम इतना कैलकुलेशन करेंगे, इससे अच्छा है जो इसका रिजल्ट मैं याद रखूं। और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 into a² + b², ये रिजल्ट याद रखना है वो। और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये रिजल्ट याद रखना, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, एक सवाल बनाते हैं, 3x + 5 का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम तो फॉर्मूला सीखे अभी तुरंत, इसको मानते हैं इसको मानते हैं भी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² का मतलब हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर कितना है 3x, b के जगह पर कितना है 5 और प्लस b² 5 का स्क्वायर 3x² इसका मतलब हुआ 3x × 3x 3×3 9x × x x² ये आ गया 9x² प्लस 2×3 6 6 5 30x और 5 25 ये हो गया आंसर। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए यदि आपसे पूछा जाए 98 का होल स्क्वायर 98 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 - 2 का होल स्क्वायर 100 - 2 का होल स्क्वायर यानी 100 में से 2 गया 98। अब इसको हम मान लेंगे इसको मान लेंगे भी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a² - 2ab + b² ये हो जाएगा 10,000 -2×400 और +4 जोड़ का क्रिया कर लेंगे ना तब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9604 आंसर, ठीक है इसको नोट कर। इसी तरह आप देखिए अगर 106 का होल स्क्वायर है इसका मतलब होता है 100 + 6 का होल स्क्वायर 100 + 6 का होल स्क्वायर इसको मानेंगे भी ये हो जाएगा a² और प्लस 2ab + b² अब ये 10,000 + 1200 + 6 इसको जोड़ेंगे 11 12 ऐसे करके जोड़ लीजिएगा
इसको जब जोड़िएगा ना इसका अच्छा एक 36 ना होगा, ये हो जाएगा 11 12, ऐसे 11236। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और इजी में बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे ऐसे। और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब का डिस्कशन करेंगे। अभी तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।